दोस्तों, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, MDRT COT करने के लिए आपने मेरी वीडियो देखी है, आपको पता चला होगा कि कैसे आप ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि आप ऑनलाइन भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और आप ऑफलाइन भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन तो आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, यानी कि इन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, बट कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ पर जरूरी होगा ये आप नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक कहाँ पर सूटेबल रहेगा आपके लिए, गूगल कहाँ पर सूटेबल रहेगा और यूट्यूब कहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो से और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज अगर आपने ये समझ लिया कि कहाँ पर आपको कौन सा एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहिए, तो आप अपने लिए ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, अपने लिए आप क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं, अपने लिए लीड भी जनरेट कर सकते हैं और आप कोई भी कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो हर एक सेल्समैन के लिए, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आप सेल्स से जुड़े हुए हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक छोटा सा पार्ट भी स्किप कर दिया तो दोस्तों आप बहुत कुछ लॉस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज हम बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लीड जनरेट करने के लिए सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी ब्रांडिंग के लिए सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म कहां पर आपके लिए सही रहेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वैसे तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है गूगल है, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर टाइप करते हैं और वहां पर टाइप करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट बहुत सारे दिखाई देते हैं, राइट। उन सर्च रिजल्ट में से आप क्लिक करके आप उसको पढ़ते हो और आप उसके बारे में जान लेते हो डिटेल्स में। ये होता है गूगल पर सर्च करना। बट ये आप लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा लीड जनरेट करने के लिए, आज मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, गूगल पर आप अगर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा? गूगल पर वो लोग आते हैं जिनको अभी तुरंत जरूरत है। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं गूगल पर जाकर सर्च करूंगा कि आई वॉन्ट टू बाई मोबाइल फोन या विच इज द बेस्ट मोबाइल फोन इन इंडिया, ये जाके मैं टाइप करूंगा। इसका मतलब मैं खुद टाइप करके गूगल पे लिख रहा हूं और मैं टाइप करने के बाद मेरे सामने जो भी रिजल्ट्स आते हैं मैं वहां से जाके खरीद लेता हूं या इंक्वायरी सबमिट करता हूं, राइट। यानी कि गूगल पर वो क्लाइंट्स आएंगे जो खुद अपने हाथों से टाइप करके आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो लीड क्लोजर रेशो आता है वो गूगल से आता है, राइट। वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गूगल के बारे में। गूगल पर डायरेक्टली क्लाइंट गूगल पे सर्च करता है, गूगल पर आता है, गूगल पर टाइप करेगा और डायरेक्टली उसके सामने जो भी रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स में से वो देखेगा, वेबसाइट के बारे में पढ़ेगा, उस कंपनी के बारे में पढ़ेगा और उसको जो भी अच्छा लगता है वहां से वो हो सकता है ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, हो सकता है वो वहां से इंक्वायरी सबमिट कर दे, यानी कि वहां से बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है। यानी कि जो लीड क्वालिटी होती है गूगल पर सबसे बेस्ट लीड क्वालिटी आपको मिलेगी, राइट तो गूगल पर सबसे बेस्ट लीड क्वालिटी आपको मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपको जानना है, आपको जानना है कि गूगल पर हमें कैसे एडवर्टाइजमेंट रन करना है, तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में भी अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे आपको गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करना है सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब दोस्तों गूगल पर आप टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए गूगल पर क्या होता है कि आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग गूगल पे जाके क्या सर्च कर रहे हैं। सपोज आपने कोई ऐसे कीवर्ड पर टारगेटिंग कर दी जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो उस पर फायदा क्या हुआ? अब मान के चलो आप ऐसी दुकान पे चले जाते हो जहां पर कोई ग्राहक ही नहीं आता है, या आप ऐसे मोबाइल दुकानदार एक ऐसा मोबाइल रख लेता है जिसको कोई पूछता ही नहीं है, नोकिया 3310 करके आता था, अगर दुकान पे वो रखा है तो वो कौन खरीदेगा, उसकी तो डिमांड ही नहीं है आज की डेट में। तो अगर आप टारगेटिंग एक ऐसे प्रोडक्ट पे करते हो जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उस पर काम करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो आपको उतनी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि गूगल पर लोग सर्च क्या कर रहे हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि गूगल पर लोग सर्च क्या कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेटिंग कर सकते हो, उन्हीं कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं लोग। अब जैसे LIC का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो गूगल पर जाके लोग सर्च करते हैं, जैसे LIC कन्यादान पॉलिसी, राइट। तो लोगों ने सर्च किया LIC कन्यादान पॉलिसी, यानी कि अगर कोई खुद टाइप कर रहा है LIC कन्यादान पॉलिसी, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है, वो जानना चाह रहा है कि LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है। हो सकता है वो एक क्लाइंट हो,
राइट, उस वो प्लान कर रहा हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, हो सकता है उसका वो अभी नहीं लेना चाह रहा हो बट फ्यूचर में प्लान कर रहा है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं इंटेंशन है LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में जानने का, राइट, तभी तो उसने गूगल पे जाके टाइप किया। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको लीड की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लीड की क्वालिटी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर चाहते हैं लीड जनरेट करना, सबसे बेस्ट जहां पे क्वालिटी लीड्स आपको मिलेगी वो सर्च इंजन है गूगल, यानी कि गूगल पर जाकर आप अपने आप को टारगेट कर सकते हो, आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। रही बात लोकेशन की, तो लोकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कौन सी लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हो, किस तरीके से टारगेट कर सकते हो, कहां पर टारगेट कर सकते हो, रेडियस टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, राइट, पिन कोड के अकॉर्डिंग कैसे टारगेट कर सकते हो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। दोस्तों जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना LIC एडवाइजर के लिए, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आप देख लोगे, हर तरह की वीडियो देख लोगे, लेकिन जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको LIC एडवाइजर को कोई नहीं सिखाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूं, मुझे पता है आप लोग कितनी मेहनत करते हो, मुझे पता है कि पूरा दिन आप फील्ड में निकाल देते हो लेकिन फिर भी आपको आउटपुट नहीं आता है। अगर दोस्तों आप सच में सीखना चाहते हो कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, तो आपको हर एक जानकारी मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे LIC एडवाइजर्स चाहिए जो बिल्कुल रियलिटी के साथ में, जो बिल्कुल सच्चे मन से सीखना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सही होंगे, आप जरूर सीखने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर सीख पाएंगे। आप लोगों के लिए मैं हर टाइम हाजिर हूं, संडे लाइव प्रोग्राम लेकर इसलिए आता हूं ताकि पूरे हफ्ते जो आपने वर्क किया, पूरे हफ्ते जो आपने सीखा, पूरे हफ्ते जो आपने वीडियोस देखी, उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे संडे लाइव प्रोग्राम में पूछ पाएं, इसलिए मैं संडे लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, राइट। लेकिन फिर भी आपके अगर सवाल नहीं पिक किए जाते हैं तो उसके लिए बेहद माफी चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे व्यूवर्स होते हैं जो अपने कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स लेना संभव नहीं हो पाता है सभी लोगों के लिए, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अभी हम बात करें गूगल, यानी कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है जिस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सपोज LIC जीवन उमंग प्लान है, आप चाहते हो कि आपके पास वो इंक्वायरी आए, आपके पास वो लीड्स आए जो लोग LIC जीवन उमंग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो कि भाई गूगल जो भी क्लाइंट, जो भी लोग गूगल पर जाकर LIC जीवन उमंग टाइप करें तो उनका जो इंक्वायरी है वो मेरे पास आना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। किस टाइम पे आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना है, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आपको, है ना, कौन सी IP आपको ब्लॉक करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता रहता हूं दोस्तों। तो ये था गूगल पर आप एडवर्टाइजमेंट करने का आपको क्या फायदा होगा, यानी कि गूगल दूसरे सर्च इंजन से बेस्ट क्यों है, क्योंकि गूगल पर डायरेक्टली क्लाइंट आके सर्च करता है, राइट। तो गूगल पर आप एडवर्टाइजमेंट चलाएं, हर कोई आप में से ट्राई करे गूगल पर अकाउंट बनाना। और अभी तो गूगल ने एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है कि जो भी नया अकाउंट गूगल पर बनाएंगे उनको गूगल 20,000 का कुछ कूपन भी दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ऊपर सर्च कीजिए गूगल एड्स, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि 20,000 आप अगर स्पेंड करते हो तो गूगल आपको 20,000 का कूपन भी देता है। तो ये आपके लिए अच्छा है, आपको सीखने के लिए अच्छा है, स्टार्टिंग में बजट कम लगा के चले तो आप कुछ लीड जनरेट कर सकते हैं, धीरे धीरे जाके आप प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट बन सकते हैं। अब दोस्तों गूगल के बाद दूसरा जो सर्च इंजन है वो है यूट्यूब। यूट्यूब भी ब्रांडिंग के लिए सबसे बढ़िया सर्च इंजन है। अब दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो, मान के चलते हैं जिन क्लाइंट्स ने गूगल पर सर्च किया सपोज आपकी पॉलिसी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो सपोज आपने एक महीने तक अपना एडवर्टाइजमेंट रन किया या 6 महीने तक आपने एडवर्टाइजमेंट रन किया, तो 6 महीने तक जो भी क्लाइंट ने आपकी वेबसाइट पर आके क्लिक किया तो आप उसको ऑडियंस बना सकते हो, यानी कि आपकी एक ऑडियंस अलग हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से समझो, मान के चलो रोज आपके पास 100 क्लाइंट आते हैं, है ना, 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आके गूगल पे सर्च करते हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी, LIC जीवन लाभ पॉलिसी, राइट, जीवन तरुण पॉलिसी, तो जो क्लाइंट है वो क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं बट वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो आप उसको YouTube पर भी टारगेट कर सकते हो, आप YouTube पर ये टारगेटिंग कर सकते हो कि भाई YouTube जो लोगों ने गूगल पर जाकर सर्च किया था उनको मेरा एडवर्टाइजमेंट YouTube पर दिखाई दे, यानी कि जब भी वो YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो के बीच में आप देखते हो ना एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उसको बोलते हैं इन स्ट्रीम एड, तो इन स्ट्रीम एड को आप स्किप कर देते हो, तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखा सकते हो जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए थे लेकिन उन्होंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। वो कोई भी एक्टिविटी यूट्यूब पे करेंगे, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना दोस्तों तो पहले उसके बारे में वो जानना चाहेगा,
हो सकता है वो गूगल पे सर्च करे, हो सकता है वो यूट्यूब पे वीडियो देखे, और यूट्यूब पे वीडियो हर कोई देखता है, क्योंकि अगर आपको किसी मोबाइल का रिव्यू पढ़ना है ना, आप उसको गूगल पे जाके पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पर उसका वीडियो देखना पसंद करेंगे, राइट? आपको कोई चीज सीखनी है ना, तो आप गूगल पे जाके पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, दो चार पेज का कंटेंट पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना पसंद करेंगे, राइट? तो अक्सर लोग यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं। तो अगर किसी ने पहले आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है बट वो उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पाया, तो आप उसको अपना एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे बार बार दिखा सकते हैं। जब वो कोई भी वीडियो देखेगा और आपका फेस उसको दिखाई देगा कि हाँ यार ये बंदा है, इसकी वेबसाइट पे मैंने विजिट किया था और इसका एडवर्टाइजमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है, हो सकता है उस टाइम पे उसके पास बजट ना हो, उस टाइम पे वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हो, उस टाइम उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो, वो LIC पॉलिसी नहीं खरीद पा रहा हो, लेकिन अब उसके पास बजट है, अब उसके पास पैसा है और आपका एडवर्टाइजमेंट उसको यूट्यूब पे बार 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 दिखाई दे रहा है, राइट? तो इस तरीके से ब्रांडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब पर आप ब्रांड बन सकते हो। जब आपकी पिक्चर, आपकी वीडियो किसी व्यूवर्स के सामने बार बार आएगी तो वो आपको जान जाएगा। जब वो आपको जान जाएगा तो आज नहीं तो कल वो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। अब आप जरा इसको इस तरीके से समझो, कोई भी कंपनी है, कोई भी बड़ा ब्रांड है, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है। एम आई राइट? टीवी में जब वो एडवर्टाइजमेंट देता है उसके ऊपर वो करोड़ों रुपए खर्च करता है। उसका तो प्रोडक्ट मार्केट में आया भी नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी वो करोड़ों रुपए उसके लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहा है। किस लिए? ब्रांडिंग के लिए, ताकि लोग जान जाएं इस प्रोडक्ट के बारे में, राइट? इसी तरीके से दोस्तों आप यूट्यूब पर अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। जब आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों को बार बार दिखाई देगा तो वो आपको जान जाएंगे, आप भी खुद एक ब्रांड बन पाएंगे। ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड कैसे बना जाता है? जब लोग आपको देखेंगे। अगर मार्केट में एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ये मोबाइल के बारे में कोई नहीं जानता, एक नई कंपनी आई है XYZ का ये मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल के बारे में अभी कोई नहीं जानता है। अगर इसका प्रमोशन आके अक्षय कुमार कर दे, अक्षय कुमार टीवी पे आके इसका प्रमोशन कर दे, इसका एडवर्टाइजमेंट कर दे कि भाई ये XYZ मोबाइल है जिसका मेगापिक्सल का, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसकी इतनी रैम है, इतना जबरदस्त फोन है, तो दोस्तों इसकी सेल तो एकदम से बढ़ जाएगी ना, राइट? क्योंकि वैल्यू इसकी नहीं है, वैल्यू अक्षय कुमार की है। ये XYZ फोन को तो कोई भी नहीं जानता है, वैल्यू किसकी है? वैल्यू है अक्षय कुमार की, क्योंकि अक्षय कुमार अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, वो अपने आप में एक ब्रांड है, राइट? तो पैसा ब्रांड का होता है। अगर ये XYZ मोबाइल पहले 5,000 का आता था, अगर अक्षय कुमार ने आके इसकी ब्रांडिंग कर दी, अक्षय कुमार ने आके इसका प्रमोशन कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसका जो प्राइस है, हो सकता है वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए हो जाए, तब भी लोग इसको खरीदेंगे। तो ब्रांड का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए अपने आप को एक सेल्समैन ना बना के अपने आप को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें। अभी तक आप अपने आप को एक LIC एजेंट, LIC एडवाइजर समझ के चल रहे हैं, अभी तक आप अपने आप को एक सेल्समैन समझ के चल रहे हैं, इससे ऊपर उठिए। आपका लेवल यहीं तक नहीं है, आपको इससे बहुत ऊपर जाना है। आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम यहीं पे खत्म नहीं होता है, यहां से तो शुरुआत हुई है, अब आपको एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना है। जब आप कहीं वैष्णो देवी माता पे जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो अगर आप सोच लेंगे पहले कि इतने किलोमीटर की मुझे चढ़ाई करनी है, तो पहले हिम्मत हार जाएंगे आप। तो आप सोचो, अपना एक छोटा सा टारगेट लो। अब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था, राइट, आज मेरे 16,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, राइट? अगर मैं पहले ही सोच लेता जिस दिन मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, यार कैसे मैं 16,000 सब्सक्राइबर कर पाऊंगा, कैसे मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर कर पाऊंगा, राइट, तो मैं पहले हिम्मत अपनी हार जाता। तो हमें अपने छोटे छोटे, अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। हमें बना लेना है कि मुझे महीने में कितना टारगेट अचीव करना है। अब मैंने बनाया हुआ है कि मुझे दिसंबर तक अपने लगभग 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से मुझे मार्केट से आप लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं इस साल 2022 में अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर जरूर कर लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों ये था दूसरा प्रमोशन का तरीका जिसमें आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं तीसरा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है फेसबुक। अब फेसबुक और गूगल में क्या फर्क है, ये पहले आपको समझना जरूरी है। दोस्तों देखिए क्या होता है, गूगल पर क्लाइंट जाके खुद गूगल पर टाइप करता है, राइट? कोई भी प्रोडक्ट उसको खरीदना है वो गूगल पर जाके टाइप करेगा, उसके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, वहां से वो इंक्वायरी कर सकता है। यानी कि गूगल पर जाकर वो लोग सर्च कर रहे हैं जिनकी जरूरत है आज,
उनकी ज़रूरत है तभी जाके वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो हो सकता है आप सर्च करें बेस्ट पिज़्ज़ा डिलीवरी नियर आपकी लोकेशन समथिंग जो भी है ना, तो वहाँ पे आप डिलीवरी बॉय होंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज पिज़्ज़ा उस पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी नियर बाई लोकेशन होगी वो आपके पास है। आपको पिज़्ज़ा अभी खाना है तब आप जाके सर्च कर रहे हो, राइट। अब फेसबुक पे ऐसे थोड़ा ही होता है कि फेसबुक पे लोग सर्च करेंगे कि आई वांट टू बाय समथिंग टी शर्ट या समथिंग, ये वहां पे लोग एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, वहां पे लोग सोशल कनेक्टिविटी करने के लिए आते हैं, लोगों से मिलने के लिए आते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए आते हैं, वहां पे लोग जस्ट एंजॉय के लिए आते हैं, वहां पे सर्च नहीं करते हैं। तो फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, वहां पर आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आपने वहां पे टारगेट कर दिया है कि भाई मेरे को अपना जो प्रोडक्ट है ना, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाना है जो एक कंपनी में, सपोज एक कंपनी में जनरल मैनेजर है, राइट। आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ टीचर्स को टारगेट करना है तो आप टीचर्स को टारगेट कर सकते हो। कोई स्कूल है, आपको पता है कि इस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, उनको पॉलिसी करनी है, राइट, उनको अपना टैक्स बचाने के लिए सेविंग करनी है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो, राइट। आप कोई सपोज एक कंपनी का जनरल मैनेजर है या एमडी है या चेयरमैन है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप सिर्फ डॉक्टर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपने कोई सपोज नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो प्रोडक्ट्स के लिए आप टारगेटिंग किसको करते हो, डॉक्टर्स को करते हो, यानी कि डॉक्टर्स आपका जो प्रोडक्ट है वो या कोई मेडिसिन है वो आपका लिखे, राइट, तो आप डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हो। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो, जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाई देगा, यानी कि यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे सपोज आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है ना, आप प्रॉपर्टी में फ्लैट बनाते हो, राइट, आप चाहते हो कि जो आर्किटेक्ट है उनको आप टारगेट करो, तो आप आर्किटेक्ट को टारगेट कर सकते हो। आप सपोज चाहते हो कि आप LIC पॉलिसी सेल करते हो, आप चाहते हो कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको बिजनेस दे सकते हैं, तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाइए और अपने जो एडवर्टाइजमेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाइए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ITR फिल करता है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, वो क्लाइंट को बताता है कि आप ये सेविंग करिए आपका टैक्स बच सकता है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि गूगल और फेसबुक में क्या फर्क है, राइट। तो यानी कि गूगल पर क्लाइंट अपने आप सर्च कर रहा है और फेसबुक पर आप क्लाइंट के पास पहुंच रहे हो। आपने ऑडियंस टारगेट कर दिया कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना, मेरा प्रोडक्ट है वो सिर्फ MBA जो पास आउट है उनको प्रोडक्ट दिखाना है, राइट। मैं चाहता हूं कि जो MCA जिन्होंने कर रखा है उनको मुझे दिखाना है, मैं चाहता हूं जिन्होंने BEd कर रखा है उनको मैं अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो दोस्तों ये समझना आपके लिए जरूरी था, अगर आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे धीरे धीरे, और अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो सब वीडियो मेरे YouTube चैनल पर दी हुई है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको समझाया हुआ है गूगल एड, फेसबुक एड और यूट्यूब एड कैसे रन करने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। और हाँ, भूलिएगा मत, संडे, हर एक संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आता हूं, लेकिन आपको होमवर्क करना है, आपको अपने जो सवाल हैं वो सवाल पूछने, मुझसे लाइव शो में आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।